जहां एक ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देवभूमि उत्तराखंड को 2025 तक नशा मुक्त करने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनकी पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की जगह उनको बचा रही है, संरक्षण भी दे रही है। तो मुख्यमंत्री धामी जी, सवाल आपसे है, आपकी पुलिस की गोद में तस्करों को ऐसे ही संरक्षण मिलता रहा तो आप कैसे देवभूमि को नशा मुक्त कर पाएंगे? नशा तस्कर को संरक्षण देने वाली यह खबर हरिद्वार से है, जहां पुलिस चौकी के पास ही पंतदीप पार्किंग में खुलेआम गांजा तस्करी का धंधा चल रहा है और गांजा तस्करी का यह धंधा पूजा नाम की महिला चला रही है। कुछ महीने पहले पुलिस ने पूजा के खिलाफ नाम मात्र की कार्रवाई की थी, जिसका असर आज तक देखने को नहीं मिला है। पूजा बिना किसी डर के खुलेआम गांजा बेच रही है और पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठी है। तो अब सवाल ये उठता है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ऐसे पुलिस प्रशासन के भरोसे देवभूमि को नशा मुक्त करेंगे? इन सब हालातों को देखकर तो लगता है कि देवभूमि 100 साल तक भी नशा मुक्त नहीं हो पाएगी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।